आप सभी को बता दूं, अगर यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया तो इसके बाद आप लोग कुछ नहीं, राउंड में कॉलेज नहीं मिला, थर्ड राउंड के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। देखो अगर कहीं ना कहीं आप उनकी जगह होते तो आप भी यही को लग रहा है कि नहीं मेरे को तो कम नंबर पे एग्रीकल्चर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इन चीजों में नहीं, 3 नंबर पे 102 नंबर पे हॉर्टिकल्चर अलॉट हो रहा है, ठीक है। जबकि आप थर्ड राउंड में देखिएगा कि 98-97 नंबर पे जनरल के स्टूडेंट को। वंदे मातरम, एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो भाई मैं आप सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट जो है एक दूसरे की हेल्प करें। आप सभी को पता है यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को फर्स्ट सेकंड राउंड में किसी को फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है, किसी को हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है, किसी को एग्रीकल्चर के आपके लोएस्ट रैंक के कॉलेजेस अलॉट हुए। और मैं यहां मानता हूं कि जिनको भी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री मिला है और लोएस्ट रैंक के एग्रीकल्चर कॉलेजेस मिले उनने 101% अधिकतर स्टूडेंट ने अपग्रेड के लिए यहाँ पे अप्लाई किया था। आप यहाँ पे देखिएगा कितनी वैकेंट सीट यहाँ पे बची हुई है, 30 आपकी वैकेंट, 30 से 35 के आसपास आपकी। अभी मैं पन्ना कॉलेज की यहाँ पे बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, आप अदर्स कॉलेजेस में देखिए एग्रीकल्चर की यहाँ पे 30 से 35 सीट जो है वैकेंट है। ये सीट्स कहाँ से आई आप यहाँ पे देखिए, जबकि ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अपग्रेड का अप्लाई किया हुआ था, जिसमें बहुत कम स्टूडेंट का अपग्रेड हुआ, किसी का फ्री से पेमेंट पे हो गया, किसी का पेमेंट से फ्री पे हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे चेंजेस हुए, बाकी बहुत कम स्टूडेंट को फॉरेस्ट्री से हॉर्टिकल्चर मिला या हॉर्टिकल्चर से एग्रीकल्चर मिला। ये आप देखिए कितनी सीट्स यहाँ पे खाली है, आपकी वैकेंट है 30 के आसपास, 72 आपकी पन्ना में है, टोटल 100 आपकी एग्रीकल्चर की सीट्स खाली है, आप सभी ने यहाँ पे देखा। लेकिन मैं अदर कॉलेजेस की आपसे बात करना चाहूंगा, यहाँ पे उस टाइम पन्ना तो देखो ऐड नहीं हुआ था, लेकिन अपग्रेड में ये स्टूडेंट को क्यों नहीं मिला भाई। मंदसौर आप देखिएगा, मंदसौर से बहुत सारे स्टूडेंट्स अपग्रेड के लिए अप्लाई किया होगा, तो ये सीटें खाली थी पर उनको अपग्रेड क्यों नहीं किया गया। अपग्रेड का तो मतलब होता है ना, अगर सीट खाली तो आपको सीट प्रोवाइड की जाएगी, फिर ये अपग्रेड क्यों नहीं हुआ भाई स्टूडेंट का, ठीक है। इन सीटों को क्यों खाली रखा गया आप यहाँ पे देखिएगा, अगर थर्ड राउंड नहीं होता एमपीपीएटी का तो ये सीट तो खाली रह जाती ना। आप यहाँ पे देख सकते हो 30 से 35 सीट एग्रीकल्चर की खाली है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे अपग्रेड के लिए अप्लाई हुआ था, जिनमें से बहुत कम रेयरी केसेस में स्टूडेंट का अपग्रेड किया गया है ना। तो भाई मैं आप सभी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सभी स्टूडेंट जो है एक दूसरे की हेल्प करें। मैंने एक ग्रुप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, सभी स्टूडेंट ऐड हैं, तो आप वहां पे जरूर जो है ऐड हो जाएं, है ना। उस ग्रुप में लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको कोई भी उसमें प्रॉब्लम आती है सभी स्टूडेंट इकट्ठे होकर जो है अपना एक निर्णय लें, ठीक है। सभी स्टूडेंट देखो मैं आप सभी को बता दूं, अगर यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया तो इसके बाद आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये गलत है ना भाई, आप खुद सोचो। जिन भी स्टूडेंट को सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला, थर्ड राउंड के लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन किया है, ठीक है। देखो अगर कहीं ना कहीं आप उनकी जगह होते तो आप भी यही करते, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो कम नंबर पे एग्रीकल्चर मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मैं इन चीजों में नहीं पढ़ने वाला, है ना। तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है। आप सोचिएगा किसी ने तैयारी की, उसको 103 नंबर पे 102 नंबर पे हॉर्टिकल्चर अलॉट हो रहा है, ठीक है। जबकि आप थर्ड राउंड में देखिएगा कि 98-97 नंबर पे जनरल के स्टूडेंट को एग्रीकल्चर अलॉट होगा, जबकि सेकंड राउंड में 102-103 नंबर पे जनरल के स्टूडेंट को हॉर्टिकल्चर अलॉट हो रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत है ना, आप इस चीज को खुद आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कहीं स्टूडेंट की गलती है। भाई देखो गलती सबसे होती है, स्टूडेंट से गलती हुई है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि उनके ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी उनको हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम अलॉट किया जाए। और जो स्टूडेंट फॉरेस्ट्री जिसको अलॉट हुआ है भाई हॉर्टिकल्चर डिजर्व करता है, ठीक है। जिसको फॉरेस्ट्री मिला है वो अपग्रेड में हॉर्टिकल्चर डिजर्व करता है, लेकिन उसको हॉर्टिकल्चर नहीं मिला, उसको फॉरेस्ट्री में ही डला हुआ है। आप सभी को पता है फॉरेस्ट्री में ज्यादा स्कोप नहीं है, ठीक है। तो भाई ये कहीं ना कहीं गलत है ना वो चीज। तैयारी करके स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, उनको नंबर के अकॉर्डिंग कम से कम कॉलेज तो मिले भाई। ये कैटेगरी रिजर्वेशन ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसका सपोर्ट भी करता हूँ, रिजर्वेशन ठीक है, मिलना चाहिए। लेकिन भाई ये चीज भी यहाँ पे गलत है ना कि अब रिजर्वेशन के बावजूद भी ये चीजें आ रही है स्टूडेंट के साथ कहीं ना कहीं कि भाई अब थर्ड राउंड में उनको उतने नंबर के अकॉर्डिंग उनको अब कॉलेज भी नहीं मिल रहा, आप देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। इसका सपोर्ट अपने को नहीं करना चाहिए भाई। देखो ऑलरेडी मैं जिस भी स्टूडेंट को कॉलेज मिल चुका है, सभी स्टूडेंट सपोर्ट करें, ठीक है। बात आप सभी के भविष्य की है, है ना। तो आप सभी लोग अपना निर्णय लें। ग्रुप में अलॉटमेंट के पहले पहले ये चीजें आपको जो है करनी रहेंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अगर आपको लगता है कि नहीं उन स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए, देखो कहीं ना कहीं इन चीज में गलत हुआ है तो मैं भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई सभी स्टूडेंट एक दूसरे को सपोर्ट करो एग्रीकल्चर में। मैं पर्सनली आपसे यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा, एग्रीकल्चर में बहुत कम यहाँ जो है यूनिटी अपने को देखने को मिलती है स्टूडेंट की, ठीक है। बहुत कम रेयरली केसेस में स्टूडेंट यहाँ पे यूनिटी देखने को मिलती है। तो भाई सभी से रिक्वेस्ट है कि इन चीजों को खट्टे तरीके से सभी स्टूडेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं बात सुनी जाएगी। 10-15-20 स्टूडेंट के होने से यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। वो यूनिवर्सिटी है, कई सालों से चल रही है, ऐसे आंदोलन कई हुए हैं और कई निकल जाते हैं, है ना।
तो थोड़ा सा अधिक संख्या में स्टूडेंट जाओ यूनिवर्सिटी में, थोड़ा बात करो कहाँ क्या बात हुई भाई, ठीक है। मैं मान रहा हूँ कहीं ना कहीं स्टूडेंट की गलती है, लेकिन यूनिवर्सिटी को इस बात को डिक्लेयर करना चाहिए था, क्लियर तरीके से मेंशन करना चाहिए था इस बात को, ठीक है। अच्छा ये गलत बात तो गलत है ना, आप सभी बताओ मेरे को कमेंट में, यह बात गलत है ना कि एक को अधिक नंबर पर हॉर्टिकल्चर अलॉट हो रहा है, एक को कम नंबर पर थर्ड राउंड में एग्रीकल्चर अलॉट होगा, तो ये कहीं ना कहीं गलत बात है ना, आप सभी बताओ, ठीक है। तो ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उनकी जाके मदद करो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है उनके साथ उनकी हेल्प करो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, और ट्विटर और इंस्टाग्राम सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जो है मेंशन करें, रीट्वीट करें, ठीक है। सभी सर लोगों का यहाँ पे धन्यवाद करना चाहूंगा, एमजीसीआई के सर, सभी फैकल्टी से जो है बहुत बहुत सर लोगों का जो है शुक्रिया कि सर लोग साथ दे रहे हैं सभी स्टूडेंट का, ठीक है। तो सर का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और बिल्कुल सर लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ साथ में रहेंगे, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ एक्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो भाई सभी स्टूडेंट जो है रिक्वेस्ट है, जरूर जो है इसको जो है इस चीज पे एक्शन लें सभी स्टूडेंट, और यूनिवर्सिटी को इस पे कुछ ना कुछ निर्णय लेना चाहिए। बाकी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी आपको चैनल पर मिलती रहेगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।